नमस्कार दोस्तों, आप सबों का ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का रसायन विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं आंसर के साथ बताऊँगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊँगा और ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वैसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से है या जिनका एग्ज़ाम जो है 2020 में दिसंबर में है तो ये क्वेश्चन जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों अभी जो है 2-4 दिन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बताऊँगा, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा किसी भी एग्ज़ाम में 6% के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आने चाहिए। सही। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ये रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, ठीक है दोस्तों। ये क्लास ट्वेल्थ का जो है रसायन विज्ञान का दोस्तों केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमको बोला जा रहा है रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे पदार्थ की मूल इकाई डैश एवं डैश है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आंसर दे दिया गया है पदार्थ की मूल इकाई परमाणु एवं अणु, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा हो जाएगा परमाणु और यहाँ पे अणु हो जाएगा। बगल में देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा, देखिए एक का ख नंबर, देखिए पीड़ा की औषधि को डैश कहते हैं, पीड़ा की औषधि को डैश कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, पीड़ा हारी या एनालाइजेसिक, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब सही गलत वाला ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है क है, दो का जो क है सुगंध पदार्थ का स्वरूप है, ये सही है या गलत है। तो ये जो है हमारा दोस्तों ये ऑप्शन है गलत, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को उत्तर गलत दे दिया गया। अब दो का ख देख लीजिए, द्रव का आकार निश्चित होता है, ये सही है या गलत। तो ये हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। पदार्थ की वह अवस्था जिसका न तो निश्चित आकार हो न ही निश्चित आयतन गैस है। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। गैस वही होता है जिसका दोस्तों ना तो कोई निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। अब आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे, हमसे अब रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोला जा रहा है। पहला है मिश्रण का बनना डैश परिवर्तन है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण पदार्थ का डैश रूप है, तो ये हमारा अशुद्ध रूप है। ऑक्सीजन पदार्थ का हमारा डैश रूप है, मतलब कि शुद्ध रूप है। यौगिक का बनना एक डैश परिवर्तन है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अब आ जाइए 4 नंबर तक, यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोला जा रहा है। सभी रासायनिक परिवर्तनों की अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के डैश होते हैं, मतलब कि समान होते हैं। अब खो देखिए, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात डैश होता है, तो मतलब कि एक होता है। अब आ जाइए नीचे, आ जाइए 5वां नंबर, आ जाइए 5वां नंबर हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही गलत आप लोगों के लिए, सही गलत आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर आप ये कथन सही है तो सही लिखिए और गलत है तो गलत लिखिए। तो हमारा पहला जो है, समान माप एवं दाब पर जब गैसें संयोजित होती है तो उनके आयतन एवं गैसीय उत्पाद में सरल अनुपात होता है, ये सही, ये कथन सही है या गलत। तो ये हमारा कथन जो है दोस्तों सही है, ठीक है, यहाँ पे बगल में हमारा सही है। कहीं दो तत्वों के संयोग से बने दो या दो से अधिक यौगिक में द्रव्यमान का अनुपात गुणित होते हैं, तो ये हमारा दोस्तों क्या है, ये देख सकते हैं ये जो हमारा कथन है वो सही है, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ। कार्बन एवं ऑक्सीजन का मात्रा के अनुसार कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में अनुपात 12:44 होता है, ये सही है या गलत। तो ये हमारा दोस्तों गलत है, क्या दोस्तों, ये हमारा गलत है। अब 6वां नंबर आ जाइए, 6वां नंबर हमारा रिक्त स्थान भरने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात डैश होता है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या है, अमोनिया में जो है द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है हमारा दोस्तों यहाँ पे 14:3 होता है। अब आ जाइए 6वां नंबर, समान ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन
एक आयतन से संयोग कर डैश आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो ये हमारा एक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिक्त स्थान में हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए सातवां नंबर, सातवां नंबर है दोस्तों, डाल्टन के अनुसार पदार्थ अविभाज्य छोटे कणों से निर्मित है जो परमाणु कहलाते हैं। तो ये हमारा दोस्तों कथन जो है ये सही है। डाल्टन के अनुसार क्या था दोस्तों, पदार्थ जो है अविभाज्य छोटे कणों से निर्मित थे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हमारा दूसरा आता है, यौगिक के बनने में तत्वों के बीच का रासायनिक संयोग सरल अनुपात में नहीं होता है। तो ये हमारा सही है। अब चलिए ग देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर तथा ऑक्सीजन के बीच परमाणु का अनुपात 1:3 होता है। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। अब नीचे हमारा लास्ट जो है हमारा 10 का देख सकते हैं, पदार्थ का सूत्र उसके रासायनिक संगठन को दर्शाता है। तो ये हमारा कथन सही है। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सटीक अनुपात को व्यक्त करता है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। अनुसूत्र के द्वारा किसी यौगिक का आणविक मात्रा ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है सही है। संरचना सूत्र से यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्याख्या ज्ञात होती है। तो ये भी हमारा सही है। और हमारा ये देख सकते हैं, ये भी हमारा जो है सही है, मूलानुपाती द्रव्यमान यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। तो ये भी हमारा कथन जो है सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 12th के केमिस्ट्री से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को, मैं इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या है कि इनका जो है कहीं भी कोई गेस्ट पेपर वगैरह नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को दोस्तों अच्छी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो। तो हम लोग दोस्तों ये सेलेक्टेड मटेरियल जो है हम लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल जो है एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो जो है दोस्तों बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।